महादेवन भारत के सबसे शानदार गायक और म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक हैं। उनके म्यूजिक और सिंगिंग सॉन्ग को आज भी काफी सुना जाता है। शंकर महादेवन बेंगलुरु के एक हॉस्टल में पहुंचे तो स्टाफ मेंबर्स ने उनको गाना डेडिकेट किया। उनका गाना सुन शंकर इतना एक्साइटेड हो गए कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। बेंगलुरु के कॉनरेड होटल के दो स्टाफ मेंबर्स ने शंकर महादेवन को गाना सुनाया। उस वक्त शंकर महादेवन चेकआउट करने जा रहे थे। जैसे ही वो बाहर निकले तो एक स्टाफ महिला और एक पुरुष स्टाफ ने उनको गाना सुनाया। सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने वीडियो में दो स्टाफ मेंबर्स से मिलवाया। स्टाफ मेंबर्स का नाम था अश्विनी और डोयल। दोनों का गाना सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। महिला स्टाफ मेंबर ने मोह मोह के धागे गाया और आपको ये भी बता दें कि उसे सुनकर उन्हें बहुत मजा आया और आपको भी बहुत मजा आएगा। जिसके बाद पुरुष स्टाफ ने शंकर महादेवन का ही क्लासिक सॉन्ग मितवा गाया। उन्होंने इतने स्टीक सुर लगाए कि शंकर भी उनके साथ गाने लगे। दोनों की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद शंकर ने सभी होटल में खड़े लोगों से तालियां बजवाई और दोनों स्टाफ मेंबर्स को शुभकामनाएं दी। शंकर महादेवन ने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें एक मजदूर पेड़ों के नीचे बैठकर तमिल का हिट सॉन्ग नाई कानाधु नाना गा रहा था। इस गाने को मशहूर सिंगर शंकर महादेवन ने गाया है। ये गाना फिल्म विश्व रूपम का है और शंकर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, इसे मेहनत का फल कहा गया है। जब मैंने इस वीडियो को देखा तो मुझे अपने देश पर गर्व हुआ जिसमें इतने होनहार लोग जन्म लेते हैं। गाना गाने वाले शख्स कौन है और मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ। मैं इस शख्स के साथ काम करना चाहता हूँ।